हेलो, तो क्या हाल है आप सभी का। सालार पार्ट टू मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, क्योंकि पार्ट वन मूवी में जो तबाही मची है, जो कि इंटेंस स्टोरी हुई है ना, वो सालार पार्ट टू में तो बहुत खतरनाक वाली दिखने वाली है। तो पार्ट टू की स्टोरी बताने से पहले तुम्हें पता होगा कि हमारी सालार पार्ट वन दो टाइमलाइन में चल रही होती है। पहला टाइमलाइन वो होता है जहां पर हमारे श्रुति हसन को ये बंदा पास्ट की स्टोरी सुना रहा होता है, जहां पर सारे के सारे कबीले जो है फाइट कर रहे होते हैं, और हमारा प्रभास भाई वर्धा को हेल्प कर रहा होता है गद्दी दिलाने के लिए। एंड सेकंड टाइमलाइन जो है, जो कि प्रेजेंट की टाइमलाइन चलती है, जिसमें हमारा प्रभास श्रुति हसन की हेल्प करने के लिए खानसार के इस ट्रक पे हमला कर देता है, जिसके वजह से खानसार का मालिक यानी हमारा वर्धा सीधा सीधा चैलेंज कर देता है प्रभास को मारने के लिए। और इसी टाइमलाइन की वजह से ये वीडियो तीन मेजर पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में जो सारे के सारे कबीलों के बीच में फाइट चल रही होती है, उस वाले स्टोरी पार्ट को कवर करूंगा कि उसकी स्टोरी कैसी होगी। उसके बाद मैं कवर करूंगा कि हमारे सालार वर्सेस वर्धा के बीच में दुश्मनी कैसे होगी, उस वाले स्टोरी पोर्शन को कवर करूंगा। और थर्ड पोर्शन में मैं कवर करूंगा कि फाइनल बैटल क्या होगा, जो कि ये वर्धा उसको मारने की धमकी दिया है, इसका एंडिंग सीन क्या हो सकता है, इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट यानी सारे के सारे कबीलों के फाइट से। लेकिन एक चीज यहां पर सबसे बड़ी आती है कि प्रभास को ये बात पता है कि वो सौर्यांगा है। वो कैसे, क्योंकि यार जब वो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो यार ऐसे तो हवा में तो प्रैक्टिस करेगा नहीं, उसे तो पता ही होगा कि वो सौर्यांगा है। और बचपन में वो अपनी मम्मी को जब बचा के ला रहा होता है, उस देश से निकाल रहा होता है, तब तो उसे पता ही होगा ना वो क्यों बचा रहा है उसको, तो क्योंकि वो सौर्यांगा है, इसलिए उसको वहां से बच के भागना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज, ये जो तीनों की तीनों ट्राइब है, इनका मेन फोकस क्या होने वाला है। इनका मेन फोकस देखो, तीनों की तीनों ट्राइब का मेन फोकस तो ये कि इनको भाई चाहिए भाई पूरे पूरे खानसार का गद्दी। लेकिन दूसरा मेन फोकस इन लोगों का होने वाला है, जैसे घनियार का मेन फोकस प्रभास और वर्धा को मारना चाहते हैं, और मन्नार का भाई मेन फोकस वो भी प्रभास और वर्धा को ही मारना चाहते हैं, और सौर्यांगा का मेन फोकस होने वाला है कि वो मन्नार को मारना चाहते हैं और वर्धा को मारना चाहते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है स्टोरी का सिनेरियो वन। तो यहां पर सिनेरियो वन यही होने वाला है कि जो हमारा सौर्यांगा कबीला है, वो पूरे के पूरे मन्नार कबीले को साफ करेगा, मतलब मन्नार कबीले को मारना स्टार्ट करेगा। और ये बात तो तुमको पता है कि हमारे सौर्यांगा कबीले का मेन मालिक है भारवा, और भारवा भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है, जो हमारा घनियार ट्राइब होगा, जो कि हमारा घनियार कबीला होगा, वो क्या करेगा। तो क्योंकि घनियार कबीले का मेन फोकस यही होगा कि वो कैसे भी करके प्रभास को मारे, और प्रभास को इसलिए मारे क्योंकि घनियार कबीले के दो मेन मेन बंदे को प्रभास ने उड़ा दिया। और ये बात सबको पता है कि हमारा प्रभास जो सौर्यांगा कबीले का हो, तो घनियार ट्राइब तो भाई सौर्यांगा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो सपोर्ट करेगा मन्नार ट्राइब को। मन्नार ट्राइब को क्योंकि तुम लोगों को पता है ये चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, तो मन्नार ट्राइब को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट होगा, रुद्रा और पंडित जो होंगे, पंडित भाई बहुत ही खतरनाक विलन होने वाला है। पंडित जो है वो हमारे भारवा को खत्म कर दे, भारवा को मार दे, क्योंकि भारवा सौर्यांगा कबीले का है। वो हमारा भाई हमला करेंगे मन्नार कबीले पे, और रुद्रा के ऊपर भी हमला करेगा, और पंडित भाई भारवा को मार दे, और सौर्यांगा कबीले के मोस्टली लोगों को हो सकता है पंडित मार दे, बट यहाँ पर जो पंडित बचेगा वो हो सकता है फाइट करे हमारे प्रभास से। क्यों, क्योंकि पंडित का मेन फोकस तो यही होगा, पंडित रुद्रा की तरफ है, रुद्रा का मेन फोकस है वो कैसे भी वर्धा को खत्म कर दे, और यहाँ पर जो पंडित है वो आएगा हमारे प्रभास के साथ लड़ने के लिए। एंड सालार वर्सेस पंडित, भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हो सकता है सालार वर्सेस पंडित हमें देखने को मिले और बहुत ही ज्यादा मजे आए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस सिनेरियो का एंड यही पे होगा कि हमारा जो पंडित होगा या फिर जो हमारा मन्नार कबीला होगा, हमारे सौर्यांगा कबीले के मेन नेता यानी भारवा को मार के खत्म करते। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। सिनेरियो टू क्या हो सकता है, सिनेरियो टू ये हो सकता है कि हमारा जो सौर्यांगा कबीला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है सौर्यांगा कबीला भाई पूरे पूरे मन्नार कबीले को खत्म कर दे, एंड फिर लास्ट में जब वो वर्धा को मारने के लिए आए, तो प्रभास भाई सौर्यांगा कबीले के सामने खड़ा हो जाए, कहे कि वर्धा को नहीं मारना क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी बहुत तगड़ी है। एंड इसी बीच हमें हो सकता है सालार वर्सेस सौर्यांगा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारवा ये बात नहीं मानेगा, वो भाई वर्धा को मारना चाहेगा, यहाँ पर सालार भारवा को रोकेगा, हो सकता है प्रभास हमारे भारवा को यही मार के खत्म कर दे। एंड भारवा को खत्म करने के बाद हो सकता है हमारा प्रभास ही सौर्यांगा कबीले का नया नेता बन जाए, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रभास भाई हमारे भारवा और पूरे के पूरे सौर्यांगा कबीले को समझाया कि बचपन में प्रभास की बचपन में वर्धा ने ही हेल्प किया था उसके मम्मी को और उसको बचा करके बाहर निकलवाने में, और हो सकता है सौर्यांगा कबीले को लोग ये बात समझे और वो प्रभास की तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ पर भाई भारवा ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका मेन फोकस यही है कि वो कैसे भी करके वर्धा को मार सके और उसे गद्दी मिल जाए, और प्रभास यहाँ पर भारवा को भी मार देगा। या फिर हो सकता है कि हमारा भारवा भी हमारे प्रभास की बात मान जाए, और उसके बाद हमारा सालार एक तगड़ा सा रूल बना दे, वो इन
दोनों लोगों को मिला दें और जो हमारा गद्य है वो हमारे वर्धा को दे दें और सौरयांगा कबीले के जो भी लोग बनते हैं उनको भाई वर्धा के साथ मिला दें और भारवा को भी कोई इधर उधर की गद्दी दे के कहानी खत्म कर दे। ये होगा इन सारे के सारे ट्राई फाइट का सीनेरियोज। एंड अब हम दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, सालार वर्सेस वर्धा, इन दोनों में फाइट कैसे होगी। तो सालार पार्ट वन में तुम्हें ये बात पता ही होगी कि जब हमारे श्रुति हसन को ये बंदा स्टोरी बता रहा होता है तभी वो ये बात बताता है कि जब ये सब ट्राइब से सारी की सारी लड़ाई कर लेते हैं और हमारा वर्धा वहां का राजा हो जाता है तो सालार और वर्धा के बीच में दुश्मनी हो जाती है। उसकी वजह से खानसार को छोड़ करके अपनी मम्मी को लेकर कहीं और आके रहता है एंड उसी के बाद हमें ये वाली फाइट सीन देखने को मिलती है ट्रक वाली। तो यार इन दोनों के बीच में उस समय ट्राइब के फाइट के समय कैसे दुश्मनी हुई होगी। तो देखो सबसे बड़ी बात यह कि भाई जब हमारा सालार पूरा का पूरा भाई खानसार का रूल रेगुलेशन बना दिया होगा और हमारे वर्धा को राजा बना दिया होगा उसके बाद ही इन दोनों के बीच में हबड़ा तबड़ी मतलब फाइट हुई होगी, लड़ाई हुई होगी। और वो किस चीज पे हो सकती है वो के लिए भी दो सिनेरियो है। सबसे पहला सिनेरियो की हो सकता है कि जो हमारा भाई वर्धा है वो अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो अपने भाई यानी बच्ची को सबसे ज्यादा प्यार करता है और हो सकता है कि हमारे सालार यानी प्रभास को किसी कंडीशन की वजह से बच्ची को मारना पड़ जाए और उसी बच्ची के मारने की वजह से हमारा जो वर्धा है वो हमारे सालार के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाए और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए और सालार को खानसार छोड़ना पड़े। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि जो बच्ची है वो हमारे सालार का भाई पूरा का पूरा फैन बन चुका है, उसको पता है सालार बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस सीन से पता चलता है कि वो सालार को अपना इंस्पिरेशन भी मान रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, ये जो बंदा जो तुम देख रहे हो जो कि हमारे सूत्री हसन का फादर है ये हमारे राजा मन्नार का राइट हैंड है और हो सकता है यही हमारे सालार यानी प्रभास को कुछ ऐसी बातें बताए इनके राज्य के बारे में जिससे हमारे सालार को कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए जिसकी वजह से भाई हमारा वर्धा सालार के अगेंस्ट हो जाए या फिर हमारा सालार प्रभास वर्धा के अगेंस्ट हो जाए। तीसरा सिनेरियो राजा मन्नार वाला सिनेरियो हो सकता है। तो देखो राजा मन्नार को हो सकता है हमारा प्रभास मारने जाए, क्यों? क्योंकि भाई प्रभास जो है सालार जो है वो यार सौरयांगा कबीले से ही बिलोंग करता है, कुछ भी हो वो सौरयांगा कबीले से ही बिलोंग करता है और ये बात उसे पता है कि राजा मन्नार ने पूरे पूरे सौरयांगा कबीले की तबाही मचवाई थी और तो और हमारे प्रभास के पापा जी को भी इसी ने ही मरवाया था और हमारा प्रभास ही असली गद्दी का मालिक है। तो हो सकता है हमारा प्रभास इसी गुस्से में जब राजा मन्नार को मारने के लिए जाए तो हमारा वर्धा हमारे सालार के अगेंस्ट खड़ा हो जाए क्योंकि कुछ भी हो हमारा वर्धा तो भाई राजा मन्नार का बेटा है ही और हो सकता है वो अपने पापा को बचाने की कोशिश करे लेकिन सालार नहीं रुके, वो राजा मन्नार को मार दे जिसकी वजह से सालार वर्सेस वर्धा देखने को मिले और यहीं पे हमारा ये बंदा है जो कि श्रुति हसन के पापा जी हैं वो हमारे सालार को हेल्प करे यहां से निकालने के लिए और फिर हमारा प्रभास ही इनको जुबान दे दे कि कभी कोई भी हेल्प होगी तो मुझे जरूर बताना। तो ये भी सिनेरियो काफी ज्यादा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। फिर अब पार्ट थ्री के बारे में बात करते हैं कि द इंड बैटल मतलब इंड की सीन्स क्या होगी जो कि हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जहां पर हमारा प्रभास यानी सालार भाई वापस से जाग उठा है और इनके ट्रक पे हमला करके भाई वो दावत दे दिया है हमारे वर्धा को और यहां पर वर्धा भाई भयंकर गुस्से में भी दिख रहा है क्योंकि वो सीधा बोलता है कि इसने रूल बनाया है और इसने रूल तोड़ा भी है तो इसे मरना ही होगा। मरना ही होगा एक बहुत ही बड़ा वर्ड है एंड इस वर्ड से हमें भाई वर्धा का पूरा गुस्सा देखने को मिल रहा है सालार के खिलाफ। हो सकता है इस सिनेरियो में कि भाई हमारा फिर से एक खतरनाक वाला बैटल इन दोनों के बीच में देखने को मिले। लेकिन ये चीज तो तुम्हें पता ही है कि राधा रमाई हमारे सालार वर्सेस वर्धा के बीच में फूट डाल रही है तो हो सकता है हमारे वर्धा को ये बात पता चल जाए, सालार को पता चल जाए कि राधा रमाई हम लोगों के बीच में फूट डाल रही है और भाई ये दोनों मिलकर हमारे राधा रमा की सफाई कर दे। और सबसे बड़ी बात ये हो सकता है कि हमारा जो वर्धा है वो बाद में जाके ये बात समझे कि सालार जो है वो असली गद्दी का हकदार है। भाई जब भी हमारे सालार को वर्धा गद्दी ऑफर करेगा तो हमारा सालार सीधा बोलेगा कि तुम एक काम करो वर्धा तुम ही गद्दी पे बैठो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये चीज हो सकती है और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। एंड जो लोग ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और इन दोनों में से कोई एक दूसरे को मार देगा तो भाई ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दो दोस्तों से ये मूवी स्टार्ट हुई है एंड ये दो दोस्त एक दूसरे को मार देंगे तो भाई ये गला घोटने जैसा होगा, दोस्ती का गला घोटने वाला रूल हो जाएगा। लास्ट में यही होगा कि ये दोनों हैप्पीली लाइफ जिएंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक सैक्रिफाइस हो जाएगा किसी तीसरे के हाथों से। खैर पार्ट टू की स्टोरी का मेरा प्रेडिक्शन यही था, तुम्हारा क्या अलग प्रेडिक्शन है कमेंट में जरूर बताना और बाय बाय।